अच्छा तो क्या आपने सारी होम रेमेडीज ट्राई कर ली हैं अपना पिंपल्स और एक्ने खत्म करने के लिए, लेकिन फिर भी आपके पिंपल्स और एक्ने खत्म नहीं हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने पिंपल्स और एक्ने को ट्रीट कर सकते हैं, साथ ही साथ पिंपल्स और एक्ने के जो स्कार्स है ना उसको भी आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं अगर आप थक चुके हैं सारी होम रेमेडीज ट्राई करके। तो ये जो उपाय है ना वो 100% वर्किंग है, और मैं आपको बताऊं ये चीजें ना मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स और एक्ने हुआ करते थे। एक टाइम था जब मैं कॉलेज में थी ना, तो मेरे चेहरे पे इतने बड़े बड़े पिंपल्स और एक्ने निकलते रहते थे और पूरे चेहरे पे ही निकलते रहते थे। तो मैंने बहुत टाइम तक मतलब मेरे चेहरे पे पिंपल्स और एक्ने ऐसे ही थे, और जिसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आपको अच्छा महसूस नहीं होता है ना, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस कोई कुछ भी कह रहा है लेकिन मायने तो रखता ही है। तो जब आप कहीं जाते हो तो आपके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स एक्ने होता है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी कम हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी ना कि किस तरीके से मैंने अपने चेहरे के पिंपल्स एक्ने को और साथ ही साथ पिंपल्स एक्ने के निशान को किस तरीके से ठीक किया है। हालांकि मेरी जो स्किन टाइप है वो बहुत ही खराब है, मतलब बहुत ही एक्ने प्रोन है मेरी स्किन टाइप, बहुत ज्यादा पिंपल्स और एक्ने आते रहते हैं। पहले तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली भी थी, अभी तो मैंने काफी ठीक कर लिया अपनी स्किन को, उतनी ज्यादा ऑयली नहीं है। तो इस वीडियो में जो मैं आपको तरीका बताऊंगी ना वो 100% इफेक्टिव है, बहुत अच्छे से वर्क करेगा आपके लिए। अगर आपके चेहरे में बहुत सारे पिंपल्स एक्ने आते रहते हैं या फिर आपके चेहरे में बहुत सारे पिंपल्स और एक्ने के निशान है तो हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप रिलेटेड वीडियोस और हेल्दी डाइट रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेके आती रहती हूँ, जो कि नो डाउट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है ना तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए मेरी वीडियो पे। और अब चलिए बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पिंपल्स और एक्ने निकलते क्यों हैं, इसकी वजहें क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो वजह होती है ना वो ये कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है और आपके स्किन पे बहुत सारे धूल मिट्टी आके जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो चेहरे के पोर्स होते हैं, स्किन के जो पोर्स होते हैं ना, जो रोम छिद्र होते हैं वो बंद हो जाएंगे ना, तो जरूर आपको पिंपल्स और एक्ने निकलने लगता है। और एक पिंपल्स और एक्ने निकला ना तो फिर उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ आपके चेहरे पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से और बहुत सारे पिंपल्स और एक्ने निकलते रहते हैं। और जो दूसरा वजह होता है वो ये होता है कि बहुत ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस अगर हो गया है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स होने लगते हैं। तो ये जो तरीका है वो आपको कोई भी पिंपल्स और एक्ने निकलने का कोई भी रीजन हो, जो मैं आपको तरीका बताऊंगी उस तरीके से आपका पिंपल्स और एक्ने जरूर ठीक हो जाएगा, दाग धब्बे भी ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी कहानी बताऊं, जब मैं अपने कॉलेज के टाइम में थी ना तो बहुत ज्यादा मेरे चेहरे पे पिंपल्स और एक्ने निकलते रहते थे, बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं आपको बताऊं मेरा पूरा चेहरा भरा रहता था पिंपल्स और एक्ने की वजह से, और जिसकी वजह से मेरा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत ही डाउन रहता था। कोई भी देखता था तो यही बोलता था, अरे इतना सारा तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स एक्ने निकल गया है, कितने सारे स्कार्स हो गए हैं, कैसा लग रहा है तुम्हारा चेहरा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना तो मैं आपकी स्थिति समझ सकती हूँ। सबसे आप यही सोचते हो कि किस तरीके से मेरे चेहरे का जो दाग धब्बा है, पिंपल्स और एक्ने है, खत्म हो जाए, कोई भी ऐसा ही सोचता है। तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगी वो मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल किया है, और ये जो तरीका है बहुत अच्छे से वर्क करता है। अभी आप मेरा फेस देख रहे हैं, मैंने कोई मेकअप वियर नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको मेरे चेहरे पे कोई दाग धब्बे नहीं दिख रहे होंगे। बहुत थोड़े मोड़े एक्ने पिंपल्स निकलते रहते हैं, जैसे इस साइड में आप देख रहे हैं, बहुत ही थोड़े मोड़े। तो और ये भी पिंपल्स और एक्ने जब निकलता है ना तो मैं यही तरीका अपनाती हूँ और बहुत जल्दी पिंपल्स एक्ने ठीक हो जाता है, दाग धब्बे भी ठीक हो जाते हैं। तो क्या तरीका है, तो मैं आपको कई तरीका बताऊंगी, उसमें जो आपको ठीक लगेगा आप कर लेना। तो सबसे पहला जो तरीका और सबसे सरल तरीका है ये है कि आप कोई भी केमिकल एक्सफोलिएटर यूज किया करिए। तो जो केमिकल एक्सफोलिएटर होता है उसके अंदर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, लाइक सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे एसिड्स होते हैं। तो ये क्या करता है कि ये आपके जब आप अपने चेहरे पे इस एक्सफोलिएटर को लगाते हैं ना तो ये क्या करता है कि जो भी आपके पोर्स को ब्लॉक करने के लिए जो डेड स्किन सेल्स या फिर धूल गंदगी जो होती है जो आपके पोर्स को ब्लॉक करती है ना उसको मेल्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपके जो पोर्स होते हैं वो अनक्लॉग हो जाते हैं और आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं आती है। और साथ ही साथ ये क्या करता है ना कि ये फर्दर ब्रेकआउट से भी आपको निजात दिलाता है। जैसे आपके चेहरे पे कोई पिंपल्स और एक्ने हो गया है और आपने केमिकल एक्सफोलिएटर लगाया ना तो ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ है
इसको खत्म कर देता है, जिसकी वजह से आपको फर्दर ब्रेकआउट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और एट द सेम टाइम आपके चेहरे पे जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो पिंपल्स एक्ने हैं उसको ये बहुत जल्दी ड्राई आउट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी आपका पिंपल एक्ने सूख के खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ ये बहुत ही माइल्ड पीलिंग का काम करता है, जैसे जो ऊपरी लेयर होती है ना आपकी स्किन की, उसको निकाल के नई लेयर लाता है, जिसकी वजह से आपका जो चेहरा है वो काफी मतलब जल्दी साफ हो जाता है, दाग धब्बों से साफ हो जाता है आपका चेहरा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं जो दूसरा तरीका है, जो थोड़ा सा टफ है लेकिन 100% वर्किंग है, अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आपके घर में कोई फंक्शन है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि आपका स्किन जो है ना वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए, दाग धब्बे खत्म हो जाए, पिंपल्स एक्ने खत्म हो जाए, तो ये तरीका आप जरूर अपनाइएगा। तो ये जो दूसरा तरीका है वो है केमिकल पीलिंग का। तो केमिकल पीलिंग क्या होता है, जो मैंने आपको बताया ना कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है केमिकल एक्सफोलिएटर में, तो केमिकल पीलिंग में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का लोग यूज करते हैं अपने मतलब आपके चेहरे पे। आपको खुद नहीं करना है इसको, आपको किसी अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, जो होते हैं ना रोग चर्म रोग चिकित्सक होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, आपके सिटी में कोई ना कोई डर्मेटोलॉजिस्ट जरूर होगा, तो उसके यहाँ केमिकल पीलिंग अवेलेबल होगी ही होगी, क्योंकि मैक्सिमम जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं ना उन लोगों के पास केमिकल पीलिंग अवेलेबल होती है। तो वो लोग क्या करेंगे कि प्रोफेशनल तरीके से आपके चेहरे पे पीलिंग करेंगे और दो तीन बार पीलिंग आपको कराना पड़ेगा, उसके बाद देखिएगा आपका चेहरा ना बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, मतलब दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे, पिंपल्स एक्ने आना बंद हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि आपकी बहुत ही जल्दी स्थिति ठीक हो जाए, मतलब आपका चेहरा बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए, दाग धब्बे बहुत जल्दी ठीक हो जाए और एक्ने और पिंपल्स बहुत जल्दी ठीक हो जाए, तो आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए और उनसे केमिकल पीलिंग के बारे में आपको जरूर पूछना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ अपने चेहरे से दाग धब्बों को खत्म करने के लिए, क्योंकि मेरे चेहरे पे उतना पिंपल्स एक्ने अभी तो नहीं होता है, पहले बहुत होता था, तो मैंने क्या यूज किया और अब मेरे चेहरे पे जब भी पिंपल्स एक्ने आते हैं तो मैं क्या करती हूँ। वैसे मेरे चेहरे पे थोड़े मोड़े पिंपल्स एक्ने आते हैं तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है ना कि बहुत बड़ा, जैसे आप देख सकते हैं ना इधर साइड बहुत बड़ा पिंपल एक्ने आ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ट्रीट किया जाए, अदरवाइज हो सकता है फर्दर ब्रेकआउट होने लगे या फिर इसी का बहुत गहरा दाग पड़ जाए, तो इसीलिए मैंने क्या किया इसको ट्रीट करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं इस तरीके का सॉल्यूशन रखा हुआ है, मैंने देख सकते हैं आप ये देख रहे हैं ना, ये बाय द ब्रांड ऑर्डिनरी ब्रांड का है ये, और ये देख सकते हैं आप AHA BHA है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीलिंग सॉल्यूशन है। तो इसको आपको आपको क्या करना है ना कि इसको मैं हमेशा यूज करती हूँ, मतलब हमेशा मतलब कि डेली नहीं, इसको हफ्ते में 2 बार यूज करती हूँ अगर बहुत ज्यादा पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम होती है तो, अदरवाइज सिर्फ 1 बार यूज करती हूँ अगर थोड़ा मोड़ा पिंपल एक्ने रहता है तो। जो ब्रांड है ना वो बहुत ज्यादा फेमस ब्रांड है, दी ऑर्डिनरी करके है इसका नाम, और ये जो ब्रांड है उसका बहुत सारा रिव्यू भी आपको मिल जाएगा, आप डेफिनेटली इसका रिव्यू चेक कर लीजिएगा, कोई ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं आपको जो यूज करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब बहुत ही क्विकली रिलीफ मिल जाता है मुझे पिंपल्स और एक्ने से, और मैंने बहुत सारा केमिकल एक्सफोलिएटर यूज भी किया हुआ है अपने पिंपल्स और एक्ने को ट्रीट करने के लिए। तो मुझे ब्रांड से मतलब नहीं है, बस मुझे ये AHA और BHA से मतलब है, ये देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, तो मुझे AHA और BHA से मतलब है। और आपको भी अगर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड किसी भी ब्रांड का मिल जाएगा तो आप ले सकते हैं, बट मैंने इस ब्रांड का काफी अच्छा रिव्यू देखा था तो इसलिए मैंने यही वाला ब्रांड परचेज किया। मैं आपको बोलूंगी कि आप इसको ऑनलाइन मत खरीदिएगा, आप अपने जो अच्छी सी कॉस्मेटिक की दुकान होगी ना जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं वहां पे आपको ये ब्रांड मिल जाएगा, और मैं आपको बोलूंगी कि आप ऑनलाइन मत लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन उतना अच्छा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं पता है ना, अगर आपका कोई ट्रस्टेड मतलब दुकान है जहां से आप हमेशा सारी चीजें लेते हो तो वहीं से आपको इसको लेना चाहिए, मैं आपको बोलूंगी। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है इसका तरीका भी मैं बताऊंगी आपको इसी वीडियो में, मैं कैसे इसको यूज करती हूँ अपने चेहरे पे। तो इसको यूज करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपका चेहरा ना पूरी तरह से साफ होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपको पहले आप अपना फेस वॉश कर लीजिए और आप अपना चेहरा अच्छे से ड्राई कर लीजिए, आपके चेहरे पे पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से आपका चेहरा ड्राई होना चाहिए, फिर उसके बाद इसको आप अपने पूरे चेहरे पे लगा लीजिए, और फिर उसके बाद इसको बहुत देर तक नहीं छोड़ना है, 15 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसको मैं 10 मिनट के लिए रखती हूँ फिर पानी से वॉश कर लेती हूँ।
और इन केस अगर आपको इस ब्रांड का पीलिंग सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब आपको क्या करना है, तब आप क्या कर सकते हैं ना कि न्यूट्रोजिना का बहुत सारा प्रोडक्ट आता है जो स्पेशली पिंपल्स एक्ने के लिए ही होता है। ब्रांड का नाम है न्यूट्रोजिना और ये जो ब्रांड है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और स्टोर्स में भी मिल जाएगा आराम से। तो आप न्यूट्रोजिना का प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं क्योंकि न्यूट्रोजिना के बहुत सारे फेस वॉश में ना AHA होता है, BHA होता है और बहुत सारा उसका केमिकल एक्सफोलिएटर भी आता है। आप जरूर जाके चेक करिएगा न्यूट्रोजिना का, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि किस न्यूट्रोजिना के किस प्रोडक्ट में हमको AHA BHA मिल सकता है, फिर आप वो जाके परचेज कर लीजिएगा दुकान से। तो आप या तो इस ब्रांड को लीजिए या फिर कोई भी किसी भी ब्रांड का आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। फेस वॉश भी आप यूज कर सकते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हो, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड हो, क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ना बहुत ही अच्छे से एक्ने पिंपल्स को ट्रीट करता है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे से दाग धब्बों को खत्म करने का काम करता है। तो अगर आपको ये ब्रांड नहीं मिलता है तो मैं आपको बोलूंगी कि आप न्यूट्रोजिना का फेस वॉश ले लीजिए या फिर न्यूट्रोजिना का बहुत सारा प्रोडक्ट आता है जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है तो वो आप यूज कर लीजिए। तो लॉरियल का भी एक फेस वॉश आता है जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है एक्ने प्रोन स्किन के लिए, तो आप उसको भी जाके खरीद सकते हैं। और लॉरियल न्यूट्रोजिना इंडिया में भी बहुत आराम से मिल जाता है। अगर आपको बहुत सीवियर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है ना तो ये ट्रिक जरूर आप अपनाइएगा, देखिए आपका एक्ने पिंपल्स बहुत ही अच्छे से खत्म हो जाएगा। और कई बार होता है ना कि जब हम लोग को बहुत सीवियर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, पूरे चेहरे पे पिंपल्स एक्ने हुआ रहता है, तो घरेलू कितना भी नुस्खा आप अपना लीजिए ठीक नहीं होता है। तो उस केस में आपको एक्ने पिंपल्स को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ले जाता है ये एक्ने पिंपल अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने एक्ने और पिंपल्स को ट्रीट करिए। और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप ट्रीट करेंगे 100% मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपका चेहरे का एक्ने पिंपल्स दाग धब्बे सब ठीक हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आऊंगी जो कि नो डाउट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी आपके लिए। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए ना आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और जितने लोगों में मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं आप प्लीज शेयर जरूर करिएगा। आजकल तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं ना तो उसमें शेयर करिएगा आप मेरी वीडियो को। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।